讲话。ये देखो कितनी स्नो पर इकट्ठी कर रखी है, कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, है ना। सब कितना एंजॉय कर रहे हैं स्नो में। हो गई अटल टनल एंटर। ये अटल टनल एंटर हो चुके हैं हम। हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इवेंट व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज फिर से हम नई ट्रिप शुरू करने जा रहे हैं और अब की बार एक नया सीन है। पंकज मेरे साथ है, पाजी नहीं आ रहे हैं क्योंकि पाजी के कुछ काम अटके हुए हैं, उन्हें काफ़ी ज़रूरी था तो वो आ नहीं पाए, उनने कैंसिल कर दिया अब की ट्रिप। तो मैं कर पहुँचने वाला हूँ अभी करनाल, मुझे पंकज मिल जाएगा, फिर वहाँ से हम और एक साथ थोड़ा सा सामान वामान लेके निकलेंगे। तो अभी मिलते हैं आगे। तो भाई देखो, जब से हम दिल्ली से चले हैं, बेचारी है ना हाथ में पनीर और दूध पकड़ के बैठी है, इसकी ना लोअर भी किलो हो चुका है और इसमें से पानी भी पनीर का पानी निकल रहा है ना, वो इसको किस चीज किस में किसको देंगे हम, ये तो बता दें। पंकज भैया का इंतजार कर रहे हैं, वे मिलेंगे, उनके आइस बॉक्स में रखना है ये। तो अभी तो है ठंडा, अभी खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका पानी निकल रहा है ना। और इस पनीर की डिमांड कैसी बढ़ी है, ये इसका हमको स्पेशल बनाने वाले। नहीं, डिमांड कैसी हुई जब हमने क्या बनाया था, पकौड़े बनाए थे ना मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में हमने पनीर के पकौड़े बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि ये ना वे उनकी खुद बनाते हैं ना, तो हम खुले लेके आते हैं, पैकेट वाला हमें पसंद ही नहीं है। और ये उनका फ्रेश आता है बिल्कुल। देख पंकज की कॉल आ गई। तो भाई हमें इस टाइम लग रही है भूख और रात के बज रहे हैं 10:30 पर ये, और ये है हम सेकेंड टाइम आ रहे हैं द ग्रेट खली ढाबे पे, है ना भाई। सेकंड टाइम पर मुझे लग रहा है यार यहाँ पे ना कुछ घपला है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम है और खाली खाली है, कुल दो ही हैं। और अब हम अंदर पता करके आते हैं, कुछ खाने को मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर आगे निकल के आगे देखेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा बहुत खाली है यार। लो जी हम पहुँच गए हैं अम्बाला हरियाणा। और इस पे इस हाईवे पे सबसे अच्छा रूट यही लगता है, जब इसको देखते हैं ना धनुष्मान को और ये शंख जो ऊपर लगा हुआ है, इसको देखते मन खुश हो जाता है। क्यों? करण भूमि। अब पंजाब शुरू हो जाएगा, अब पंजाब स्टार्ट हो जाएगा भाई। रात के बज चुके हैं, कितने एक बज रहे हैं ना, एक या डेढ़ बज रहे हैं, और आदि और वंश को भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो इसलिए चलो। और शाम को हमने खाना खाया नहीं है, 6-7 बजे हम खा लेते हैं। तो यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है और अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे के लिए। हमने हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं और हिमाचल का गेट, और रात के बज रहे हैं दो, ये देखो। और यहाँ पे लगेगा कैश निकाल लिया जाए मैडम, लो पकड़ो। यहाँ पर हमारे लगे हैं 60 रुपये, 60 रुपये की पर्ची लगी और हमें यहाँ पे कैश ही देने होते हैं। मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, मैं 50 नहीं, पहले जब हम आए थे ना फर्स्ट टाइम तक 50 ही लिए थे। हाँ, अब 60 हो गए। ये हमारी हिमाचल की फर्स्ट टर्नल, हम आ चुके हैं टर्नल में, टर्नल नंबर 1। और ये है 1 साइड ही है, नहीं साइड 2 साइड है, हमारी है सेकंड टर्नल। जी हम पहुंच चुके हैं कुल्लू, और ये देखो सुबह
भाई आज के टाइम हम इस लोकेशन पे करेंगे कैंपिंग और ये है लोकेशन कुल्लू में। वो देखो एक नया किनार में रूफ टेंट लगा के बंदा रुका हुआ है, वहीं पे करेंगे। क्या बोलती है भाई? मस्त है, ठीक है ना? बहुत ठंड है, आते टाइम रुकेंगे यहाँ पे हैं। मनाली में घुसते ही ये देखो कितना ही लंबा जाम है। मनाली में और जाम ना मिले तो 6:22 हो रहे हैं अभी। 15 मिनट का जाम दिखा रहा है, 16 मिनट का। देखते अब कब तक जाम में रहना पड़ेगा। और वो सामने स्नो के क्लोज करके दिखाना, जो कैमरे में नहीं दिख रहे लेकिन हमारा हमने तो बड़ा मजा आ रहा देखते। देखो नीचे रिवर बह रही है और वाइट पहाड़ और हरे पहाड़, ग्रीनरी भी है और वाइट भी और स्नो पहाड़ भी है और नीचे रिवर भी बह रही है। इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा सही में यार, इतना सुकून सा मिल रहा है। नीचे रिवर है, अब देखो थोड़ी सी दिख रही है, अब देखो ऊपर पहाड़ इतने मस्त लग रहे हैं यार। तो भाई ये देखो ये है सुबह का नज़ारा, ये अपने सोलांग वैली का जहाँ पे एक्टिविटी कराई जाती है और ये ऊपर स्नो के पहाड़। ये सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी तक यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखो कितना ही सुंदर नज़ारा, कितनी ही ग्रीनरी। देखो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, अब हम अटल टनल को पार करके जाएंगे जन्नत में। जन्नत आ जाएगी बिल्कुल सही में, सही बेचैनी हो रही है तेरे। देखा नहीं हमने लेकिन बोलते हैं कि उस साइड अलग ही दुनिया है। पूरी नहीं करा आए हुए यहाँ तक वापिस चले गए। क्यों भाई अब हम अटल टनल चल, जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर, हो गई अटल टनल। हाँ। चलो अब निकल के दिखाएंगे दिखाएंगे दर्शन। तो जी देखो हम एंटर भी हो चुके हैं, बैग जीट हो रहे हैं, अब हम बाहर दिखाते हैं आपको नजारा, देखते हैं बाहर का नजारा कैसे, हम भी फर्स्ट टाइम देखेंगे। मिलेगी स्नो भी यार, ऐसी बात नहीं। देखो पहाड़ों पे कितनी स्नो है, आप लोगों को दिख रही है तो हमें तो अच्छी दिख रही कैमरे में तो ऐसी लेकिन है, आगे मिल जाएगी कोई बात नहीं। हम आ गए वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो घुसाई दिया तुझे। देखो स्नो ही है जो ऊपर जमी हुई है, देखो बहुत पुरानी स्नो है, बहुत पुरानी। अरे रिवर है नीचे, रिवर बह रही है, ग्लेशियर आया हुआ है। हाँ, और ये पूरा ग्लेशियर और ऊपर बर्फ है, हमें पता वो पुराना है नया है क्या है। कहाँ जा रहे हैं आप? ये यहाँ पे पर्ची कटती है 200 रुपए की, वही कटवानी है यार। यहाँ पे सुनो तो मिली नहीं, मेरा तो सब डायलॉग सपना रह गया, जज्बात बदल गए। कोई ना मिले, देखो यहाँ सब लिखा हुआ कितने की कौन सी पर्ची, चुन करके चलो मैं कटवा गया। देखो जो जो भी आप देख लो इसमें सब जूम कर दिया मैंने। बर्फ है जो ग्लेशियर बन के जमा हुआ है, अब कितना सारा है, कितनी सुंदर सुंदर, थोड़ी काली हो गई मिट्टी, जम गई ना इस पे काली। अरे ऐसे नहीं बोलते।
देख और झरना बह रहा है, इनके नीचे से झरना निकल रहा है ग्लेशियर के, फिर ग्लेशियर जी देखो झरना। एक काम कर, इसमें मुंह धो ले, तूने धोया भी नहीं है सुबह से। नहीं मुझे मुंह धोना, मैं इतना जो दोंगी मैं झरने के पानी। देखो फिर से आपकी तरह थोड़ा सफेद होता तो और मजा आता, कोई बात नहीं। एक काम कर, इसको पानी लेके साफ कर दे। किस्मत अपनी अपनी, आगे से वैसे हमें लग रहा है यूटर्न लेके आना पड़ेगा। वो देख जेसीबी से हटा रहे हैं बर्फ है, ये रोड पे आई हुई है। ओए सही में, ओ माय गॉड सही में, ये देखो कितनी बर्फ रोड पे आई हुई है। ये सब बर्फ मिली गई देखो। जी हाँ, ये निकाल हटाने, ये सब जेसीबी से हटाने लग रहे हैं। ये पूरी बर्फ है अब तो, जरा सपना पूरा हो गया माता। सही में खुश, देखो कितनी स्नो पड़ी इकट्ठी कर रखी है। कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे यहां पे, है ना? बच्चे भी, फैमिली अभी और फैमिली अभी। ये काफी वाइट टायर, ये मुझे ये ताजी सी लग रही है कुछ, ये लेफ्ट साइड में है ना। और ऊपर से देखो कितना मस्त झरना बह रहा है और ये पूरी स्नो है। उठा ले, कितनी सुंदर लग रही है, हाथ जा ही नहीं रहा मेरा। कितना ही मस्त झरना बह रहा है और नीचे सब एंजॉय कर रहे हैं। चलो बाय बाय, कुछ बाय बाय। तो भैया इस जो इतना अच्छा व्यू है, इतने मजे ले लिए कोक्सर में, एंजॉय किया हमने यहाँ पे आके। बहुत ठंडा पानी था फिर भी देखो एंजॉय तो किया ही हमने। तो अब यहाँ से अलविदा लेते हैं और आपको मिलेंगे अब नई लोकेशन पे। तो भाई जब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, नई लोकेशन आएगी, इससे भी अच्छी जबरदस्त होगी तो, और उसके साथ एक सरप्राइज भी है जो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बने रहिए आदिवंश ब्लॉग्स पे। जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।